आज तक जिस भूमि के टुकड़े का सबसे अधिक दाम चुकाया गया है वह हमारे भारत में ही पंजाब में स्थित सरहंद में है। और विश्व की इस सबसे महंगी भूमि को खरीदने वाले महान व्यक्ति का नाम था दीवान टोडरमलजी जाट। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत की दास्तां शायद आप सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पढ़ी या सुनी होगी। यहीं सरहंद के फतेहगढ़ साहिब में मुगलों के तत्कालीन फौजदार वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चिनवा दिया था। दीवान टोडरमलजी जाट जो कि इस क्षेत्र के एक धनी व्यक्ति थे और गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, उन्होंने वजीर खान से साहिबजादों के पार्थिव शरीर की मांग की और वह भूमि जहां वह शहीद हुए थे वहीं पर उनकी अंत्येष्टि करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खान की धृष्टता देखते हुए भूमि देने के लिए एक अटपटी और अनुचित मांग रखी। वजीर खान ने मांग रखी कि इस भूमि पर सोने की मोहरें बिछाने पर जितनी मोहरें बिछ जाएंगी वही इस भूमि का दाम होगा। दीवान टोडरमलजी जाट ने अपने सब भंडार खाली करके जब मोहरें भूमि पर बिछानी शुरू की तो वजीर खान ने धृष्टता की प्रकाष्ठा पार करते हुए कहा कि मोहरें बिछाकर नहीं बल्कि खड़ी करके रखी जाएं ताकि अधिक से अधिक मोहरें वसूली जा सकें। खैर दीवान टोडरमलजी जाट ने अपना सब कुछ बेच बाच कर और मोहरें इकट्ठी की और 78,000 सोने की मोहरें देकर 4 गज भूमि के टुकड़े को खरीदा ताकि गुरुजी के साहिबजादों का अंतिम संस्कार वहां किया जा सके। विश्व के इतिहास में ना तो ऐसे त्याग की कोई और मिसाल मिलती है ना ही कहीं पर किसी भूमि के टुकड़े का इतना भारी मूल्य आज तक चुकाया गया। जब बाद में गुरु गोविंद सिंह जी को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने दीवान टोडरमलजी जाट से कृतज्ञता प्रकट की और उनसे कहा कि वे उनके त्याग से बहुत प्रभावित हैं और उनसे इस त्याग के बदले कुछ मांगने को कहा। जरा सोचिए दीवान टोडरमलजी जाट ने क्या मांगा होगा गुरुजी से। दीवान जी ने गुरुजी से जो मांगा उसकी कल्पना करना भी असंभव है। दीवान टोडरमलजी जाट ने गुरुजी से कहा कि यदि कुछ देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा वर दीजिए कि मेरे घर पर कोई पुत्र न जन्म ले और मेरी वंशावली यहीं मेरे साथ ही समाप्त हो जाए। इस अप्रत्याशित मांग पर गुरुजी सहित सब लोग हक्के बक्के रह गए। गुरुजी ने दीवान जी से इस अद्भुत मांग का कारण पूछा तो दीवान जी का उत्तर ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दे। दीवान टोडरमल जाट ने उत्तर दिया, गुरुजी यह जो भूमि इतना महंगा दाम देकर खरीदी गई है और आपके चरणों में न्योछावर की गई है, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी आने वाली नस्लों में से कोई कहे कि यह भूमि मेरे पुरखों ने खरीदी थी और गुरु कार्य में दान दी थी। यह थी निस्वार्थ त्याग और भक्ति की आज तक की सबसे बड़ी मिसाल। आज किसी धार्मिक स्थल पर 4 ईंटें लगवाने पर भी लोग अपने नाम की पट्टी पहले लगवाते हैं, एक पंखा तक लगवाने पर उसके परों पर अपने नाम को छपवाते हैं। हमारे पुरखों ने जो जो बलिदान देकर गए हैं वह अभूतपूर्व हैं और उनके बलिदानों के कारण हम लोगों का अस्तित्व अभी तक है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इस बलिदान के 1,000वें 1,000,000वें भाग का भी ऋण उतार सकें। त्याग और बलिदान की यह गाथा जिसे हमारे गौरवशाली इतिहास से गायब कर दिया गया, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने पूर्वजों का मान सम्मान बढ़ाइए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।